अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। BANM रायगढ़ प्रॉपर्टी एक्सपो का शुभारंभ MLA प्रशांत ठाकुर और मनपा आयुक्त ने किया उद्घाटन। 10 लाख में मकान। पनवेल के खांदेश्वर रेलवे स्टेशन के पास आज BANM रायगढ़ प्रॉपर्टी एक्सपो का शुभारंभ हो गया। इसमें 300 से अधिक संपत्तियों के साथ 100 बिल्डर हिस्सा ले रहे हैं। पनवेल के भाजपा विधायक प्रशांत ठाकुर और मनपा आयुक्त गणेश देशमुख ने संपत्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए विश्वास जताया कि अफोर्डेबल घरों की तलाश में जुटे ग्राहकों को प्रदर्शनी उपयोगी साबित होगी। प्रशांत ठाकुर ने तेजी से विकसित हो रहे ट्रांसपोर्ट सुविधाओं का हवाला देते हुए कहा कि BANM प्रॉपर्टी प्रदर्शनी PM मोदी का मिशन 2022 तक सबको मकान दिलाने में मददगार बनेगी। BANM को शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं, उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि एक फेज जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है कि जिसमें 2022 तक हर उस बेघर के पास अपना घर होना चाहिए, उसके लिए सारी सिस्टम हो सकती है, लेकिन डेवलपर अगर आगे ना बढ़े तो शायद वो पूरा ना हो। तो BANM को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसके लिए बेहतरीन शुरुआत की है। अलग अलग जगह में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये सारे प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट यानी सिर्फ घर नहीं है, घर के साथ उसी कॉम्प्लेक्स में पब्लिक एमिनिटीज़ वो भी अच्छी तरीके की और जो मिडिल क्लास लोगों के लिए होंगी, अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए होंगी, हाई एंड कस्टमर्स के लिए होंगी, वो जो सुविधाएं दी जा रही है वही सुविधाएं इन लोगों को देने की भी उनकी सारी कोशिश है, उनके लिए उन्होंने प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया। BANM रायगढ़ के माध्यम से अफोर्डेबल हाउसेस देने के लिए इतने सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ है, अलग अलग ऑप्शंस है कि देख के सचमुच मैं समझता हूँ कि पनवेल, नवी मुंबई, कामोटा के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो इसके बारे में अगर इसके पहले पहल नहीं कर चुके हैं तो ये प्रोजेक्ट देख के वो अपना मन ज़रूर बनाएंगे। मैं आपके सभी के दर्शकों को अनुरोध करना चाहूँगा कि कामोठे में आपके क्षेत्र में इतना बढ़िया एग्जीबिशन है, आप यहाँ पर आइए, अपना मन बनाइए। और यहाँ पर उन्होंने इसके साथ साथ बैंकों को बुलाया, SBI इसमें है, अलग अलग बैंक्स इसमें हैं जो यहीं पर अलग अलग उनको अपॉर्चुनिटीज दे रही है, ICICI है। तो मैं समझता हूँ कि एक साथ मिलकर BANM अपनी ओर से एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो पहल कर रही है उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सपोर्ट कर रही है तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। क्रेडाई BANM रायगढ़ इनके द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में आदरणीय आमदार महोदय और सभी उपस्थित मान्यवरों की उपस्थिति में इनाग्रेशन हुआ है। सभी स्टॉल्स को विजिट देने के बाद में ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जितने भी बिल्डर्स हैं, जितने भी यहाँ पे डेवलपर्स हैं, उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट में इकोनॉमी हाउसिंग के लिए बहुत ज़्यादा वेटेज रखा है। अगर 100 फ्लैट्स किसी बिल्डिंग में बनते हैं तो 100 में से 60-70% फ्लैट्स
ये 1 BHK या उसी टाइप में रखे, ये बहुत ही अच्छी सोच है और शुरुआत भी अच्छी है। आज के पनवेल के माहौल में बोलेंगे तो ये इट्स अ इमर्जिंग सिटी और आने वाले कुछ सालों में एक बहुत ही डेवलप्ड और वेल कनेक्टेड सिटी पनवेल रहेगी। और इसी में मैं सभी का स्वागत करता हूँ, आपका एज अ सिटी कमिश्नर या सिटी मैनेजर। मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने आना और मेरे सिटी में रहना चाहिए और घर लेना चाहिए। प्रदर्शन हमारे सिटी में होता है तो ये बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि जब कंपैरिजन होती है तो कंपैरिजन में चॉइस करने के लिए आदमी को एक आसान तरीका मिल जाता है। यहाँ पे सभी स्टॉल साथ में है तो जिसे घर लेना है वो कंपेयर कर सकता है कि ये लोकेशन क्या है, कॉस्ट क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। साथ ही में बैंक्स भी जुड़ी हुई है तो वन रूफ सॉल्यूशन इस स्टाइल में तो निश्चित तौर पे ये पॉजिटिव साइन है। BNM वालों ने जो आज यहाँ एग्जीबिशन रखा है, पनवेल का इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट बढ़ा हुआ है और उन्होंने आज जैसे टुडे ग्रुप वाले और हमारे सब साथी इधर है, ये पहले से इधर इन्होंने काम शुरू किया। पहले कमिश्नर थे बहुत हर्डल थी, नए कमिश्नर है किसी का उसमें तकरार नहीं है। ऐसे अधिकारी चाहिए, ऑफिसर चाहिए कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल होनी चाहिए और अफोर्डेबल हाउसिंग जो है, इन्होंने कहा हमारा उद्देश्य है कि गरीबों को घर मिले। क्योंकि हम जब आते हैं तो अन्न वस्त्र निवारा, हम लोग नौकरी कहाँ भी करते थे, 7-8 हज़ार रुपये आज पगार नहीं मिल रहा है फिर भी आप लोग भी गुजार रहे चैनलों में मेरे ख्याल से, लेकिन ये घर होना बहुत बड़ा सपना है, जिंदगी आदमी की निकल जाती है। ये अफोर्डेबल हाउसिंग आज के स्टेज में बनाना है और उसको उनको सपोर्ट करना है। और अभी थोड़ा बूम आना शुरू हुआ है और अफोर्डेबल हाउसिंग में नैना में भी अगर वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी करे इन लोग का अच्छी तरह से, क्योंकि घर बना लेने वाले है इनको बेचना है, सस्ते में बेचना है, तो ज़्यादा डेवलपमेंट चार्ज ना हो, ज़्यादा हार्डनेस ना हो, ताकि ये जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट हो। तो इस हिसाब से ये बहुत अच्छा प्रदर्शन है, आगे जाके लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर खरीदेंगे और हम ये भी चाहते हैं कि लोगों का मिनिमम वेजेस भी बढ़े, पैसा उनके पास भी आए, घर खरीदने की ताकत भी उनको मिले, रोजगार भी बढ़ना चाहिए और इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग जो उनका स्कीम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत मिलेगा, ये मैं शुभेच्छा देता हूँ। वहीं BNM रायगढ़ के अध्यक्ष हिमांशु पटेल, सीनियर बिल्डर भूपेंद्र शाह और एक्सपो के सचिव चिराग शाह एवं कोऑर्डिनेटर मनसुख भाई पटेल ने प्रॉपर्टी प्रदर्शनी के शानदार शुभारंभ और पहले दिन आगंतुकों के बेहतर रिस्पांस पर खुशी जताई और घर की तलाश में जुटे ग्राहकों से एक्सपो में विजिट देने का आह्वान किया। इस टाइम पे जो मार्केट का माहौल है उस हिसाब से अफोर्डेबल की डिमांड ज़्यादा है। जैसे अपन के BNM जो नवी मुंबई रखते है जो वासी एग्जीबिशन सेंटर के अंदर, तो वहाँ पे क्या रहता है, रेंज रहता है 1 करोड़ से लेकर ऊपर स्टार्ट होता है, जो फैक्ट है 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रहता है, 7 करोड़ भी रहता है। यहाँ पे जो रेंज है 10 लाख से स्टार्ट होती है। और बात एक ही है, इसी के लिए यहाँ पे किया कि आज की तारीख में जो मार्केट सस्टेनेबल है वो अफोर्डेबल की है, उसी हिसाब से हमने इधर रखा है। और इसके अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आज नैना के अंदर अगर सिडको व्यवहारिक जिस हिसाब से मार्केट और अफोर्डेबल देना चाहती है, जो प्रधानमंत्री का सपना है कि अफोर्डेबल घर देना, तो नवी मुंबई में नवी मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर दे सकते हैं। लेकिन सिडको ने 60-40 किया तो 40% के अंदर हमको 25 माले का बनाना है, तो अफोर्डेबल कहाँ से बनेगा। तो उनको हमारा प्रपोजल ये है कि 50-50 प्लस नो बेटरमेंट चार्ज, नो डेवलपमेंट चार्ज, ये हमने ऑलरेडी प्रपोजल उनको दिया है। अगर वो चीज़ होगी तो नवी मुंबई के अंदर जो पनवेल के आजू बाजू को विकसित एरिया के अंदर 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख या 25 लाख के अंदर हम घर दे पाएंगे, जिसके अंदर नवी मुंबई का डेवलपमेंट छुपा हुआ है और सिडको का इंफ्रास्ट्रक्चर है। कामोठे के अंदर हम लेके आने का हमारा मेन रीज़न ये है कि नवी मुंबई वासी से लेके पनवेल तक ये एक हमारा सेंटर होता है और वहाँ से कनेक्टिविटी जो खांदेश्वर स्टेशन है, जो लोगों को आने के लिए भी सुविधा उपलब्ध हो पाए और स्टेशन के बिल्कुल हमने सामने लगाया है, तो अफोर्डेबल लिविंग के लिए जिसको भी कहीं पर भी आना है तो आ सकते हैं। और हमने 10 लाख से लेके 12 लाख से लेके हमने 2 करोड़ तक के घर रखे हुए हैं, तो जिसके अंदर एकदम अफोर्डेबल पे हमने पूरा का पूरा फोकस दिया हुआ है। और अच्छी मुझे अच्छी उम्मीद लग रही है कि यहाँ पे सभी एग्जीबिटर्स का बुकिंग का चांस दिख रहा है। अफोर्डेबल के हिसाब से मेरे हिसाब से काफ़ी फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे करंजड़े हो गया, कामोठे हो गया, तलोजा हो गया, पुष्पक नगर नोड हो गया, रसायनी हो गया, कर्जत नहर वगैरह हो गया, तो वो 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख के घर आ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उनको
बेनिफिट मिलना ही है। मैडम एक्चुअली ये जो हमारा पनवेल का जो यहाँ पे कामोटे खांडेश्वर स्टेशन के सामने हमने जो एग्जीबिशन रखा है, तो इसमें पनवेल के सराउंडिंग जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, छोटे बड़े हैं, बिल्डर्स बड़े हैं, प्रोजेक्ट अफोर्डेबल के हिसाब से उन लोगों ने लॉन्च किया है। अभी पहले कैसा था कि उम्मीद बड़ी थी लोगों की, पर उनका बजट नहीं बैठ रहा था। अभी जबकि ऐसा हो गया है कि बजट भी बैठेगा और उनको सब एमिनिटीज़ भी मिलेगी प्रोजेक्ट्स के अंदर, उनको सब एमिनिटीज़ के साथ अफोर्डेबल के अंदर उनको पूरा फ्लैट्स वगैरह सब मिलते रहेंगे। और दूसरा ये जो कामोटे खांडेश्वर का लिया हमने, तो उसमें पनवेल के आसपास के सराउंडिंग जितने भी अफोर्डेबल वाले हैं प्रोजेक्ट, वो सब इसके अंदर पार्टिसिपेट हुए हैं हमारे साथ। ये प्रदर्शन के लिए हमने पूरा 7 लाख से लेके 50 लाख, 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक हमारा फ्लैट हम लोग दे रहे हैं। कंज्यूमर के लिए हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है ज़्यादा एमिनिटीज वाला फ्लैट, कम बजट में और अच्छा क्वालिटी में, जो सिडको से भी अच्छा क्वालिटी जो रहता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी रहेगा, क्वालिटी वाला फ्लैट उनको एक ही जगह पे वैरायटी मिलेगा, स्कोप मिलेगा देखने के लिए, और ज़्यादा फ्लैट आपको स्कोप के हिसाब से आप इधर आके ले सकते हैं। और इधर ये एग्जीबिशन में हमने ये टाइम पे बहुत बिल्डर हमारा आया, प्रॉपर प्रोग्रेसिव है, कामधेनु है, टुडे ग्लोबल है, टुडे ग्रुप है, और अरियंत है, सनी नेशनल डेवलपर, और बहुत ज़्यादा सत्यम डेवलपर है, बहुत बिल्डर्स ने पार्ट लिया है। सबको ज़्यादा उम्मीद है कि रिसेशन के बाद जो मार्केट अपलिफ्ट मूवमेंट में जा रहा है, कंज्यूमर जो राह देख के बैठे हैं, वो कंज्यूमर के लिए बहुत बड़ा स्कोप है और उनको आके इधर से चांस लेना चाहिए। मेरा सबको रिक्वेस्ट है कि आप आओ, आपको एक ही छत के नीचे पूरा स्कोप मिलेगा, आपको ऐसा अच्छा मौका बाद में मिलेगा नहीं। पर हमने ड्रॉ सिस्टम रखा है और कंज्यूमर को फ्लैट के साथ साथ में कार का ऑप्शन है, बाइक है, मोबाइल रखा है, सब कुछ हमने उसमें गिफ्ट के हिसाब से, लकी ड्रॉ के हिसाब से रखा है हमने। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।